एक लौरिया लड़का जिसके शरीर में जान नहीं, पौवा भर मांस नहीं, फिर भी बाबा रामदेव के योग को चैलेंज करने के लिए आतुर है। ये भैया रामू, गांव का देसी लड़का रामू। ज्यादा इनका वेट नहीं है और ज्यादा अभी इनकी उम्र भी नहीं है मित्रों, लेकिन नौली क्रिया ऐसी करते हैं कि बाबा रामदेव भी देखकर उस नौली क्रिया के दीदार हो जाएंगे, प्रशंसक हो जाएंगे और दर्शक हो जाएंगे। ये रामू है। रामू बहुत अच्छे से अपने शरीर को पूरी तरीके से घुमाते हैं और रामू आज हमको करके दिखाएंगे। पूरा हाथ घुमाएंगे, नौली क्रिया करेंगे, पेट को पूरा 360 डिग्री पे यूं घुमा देते हैं। रामू, रामू कैसे हो आप? ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या क्या कर लेते हो आप? हम सब कुछ कर लेते हैं। हाँ। नौली क्रिया कर लेते हो जो बाबा रामदेव ऐसे पेट को घुमा देते हैं? हाँ, कर ली थे। अच्छा, कर लिए थे। ये बताओ भैया कि ये कब से सीखा, कब से? बस ऐसे सीख लिए हम। कहाँ से? टीवी से देख के या बाबा रामदेव को? मोबाइल से। मोबाइल से, मोबाइल से। हाँ। तो आज हमारे दर्शकों को क्या क्या करके दिखाओगे? सब की चीज करते हैं, दिखाएंगे जो मुझे आता है। अच्छा, इतना शरीर तुम्हारा दुबला पतला है तो नौली क्रिया जो करते हो उसकी वजह से दुबला पतला? इधर आ जाओ, ये आसन लगा हुआ है जो नौली क्रिया करते हो उसकी वजह से दुबला पतला या ऐसे ही है? जो क्रिया करते हैं नौली, बाबा रामदेव के शिष्य हैं। बाबा रामदेव जैसे ही वो नौली क्रिया करते हैं, रामू वहीं से सीखे हैं। और रामू क्या कर पाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन रामू एक लौरिया है, शरीर में जान नहीं है, फिर भी अपने पेट को जैसे माताएं बहने घर में दूध दही घी मक्खन मथ देती है, वैसे अपने पेट को ऐसे मथ देते हैं। तो रामू बैठ जाओ आप, और कैमरा पर्सन कहेंगे तुम भी बैठ जाओ भैया, और दिखाओ इनको कि ये कैसे नौली क्रिया कर लेते हैं। हम बोलेंगे ना इनकी नौली क्रिया पहले देखो। अद्भुत क्रिया, अद्भुत योग, अविश्वसनीय, अकल्पनीय योग। हाँ, यहाँ पर रामू कर रहे हैं और रामू साधना भी कर लेते हैं। रामू बाबा रामदेव की शिष्य हैं। जो जो कर लेते हैं बाबा रामदेव वो रामू भी कर लेते हैं। और रामू ने सीखा है टीवी से, मोबाइल से और इसके बाद यूट्यूब के माध्यम से। रामू कोई साधारण पुरुष नहीं है, पूरे पेट को घुमा देते हैं, हाथ को घुमा देते हैं, खेत में सुबह शाम आके खुले आसमान के नीचे योग करते हैं। रामू कुछ और हमको करके दिखाएं, हाथ वोथ सभी हाथ वोथ ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, हमें करके दिखाएं जरा हमारे दर्शकों को। करें करें। रामू पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इससे जो होता है भुजाएं चलती हैं चारों तरफ और आप इसमें किसी तरीके से अपने शरीर के अंग को चला सकते हैं। ये देखिए, रामू एक लौरिया है और ये काम करते हैं पूरी तरीके से योग का, योग करते हैं। रामू इसके अलावा क्या क्या कर लेते हो और पढ़ते भी हो? हाँ, पढ़ते भी हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? ना, मुझे तो लग रहा है कि 6-7 में पढ़ते हो। सेवंथ में। अच्छा, तो रामू अभी पढ़ते हैं और खेत में योग करते हैं। उसके अलावा क्या करते हो रामू? योग करते हैं और पढ़ाई करते हैं। लॉकडाउन लगा है, घर वर का काम कर लेते हैं। अच्छा, घर वर का काम कर ले। तो गाय भी रखा हुआ रामू? हाँ। क्या गाय रखा, कितना? दो गाय है, एक बछिया है। दो गाय एक बछिया। और रामू गौ सेवा भी करते हैं मित्रों, और ये इतनी अच्छी गौ सेवा करते हैं, उससे बढ़िया योग भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। लग रहा है ऐसा कि नौली क्रिया भी थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। हाँ, सीख जाएंगे। तो कितने साल हो गया करते हुए लगभग अभी? ये 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया है। तो एक बार ऐसे खड़े खड़े नौली क्रिया और कर दो। वाह, पेट को बाबा रामदेव ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ वो नहीं कर पाते हो अभी, वो करने में दिक्कत है, सीख रहे हो। वाह, तो खाना वाना भी खाया करो, बिना खाए तो ऐसा लग रहा है खाना वाना कम खाते हो। खाना वाना खाया करो, तभी तो और ताकत आएगा, तभी तो योग करोगे। और खाना खाते हैं? कितनी बार खाते हो दिन में? 2 बार। 2 बार शाम सुबह? शाम सुबह। और नाश्ता भी कर लेते हो? अच्छा, खाने में क्या लेते हो, फल फ्रूट या फल फ्रूट कुछ लेते हो या ऐसे ही दाल चावल रोटी सब्जी? हाँ, लेते हैं पपीता। पपीता 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 ले लेते हो। अच्छा, तो ये है भैया रामू, और ये देखिए आप करते रहिए रामू, करते रहिए, जो तुम्हारा योग है हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हाथ हाथ घुमाते रहिए, कुछ करते रहिए। और ये रामू बढ़िया सा योग करते हैं, और मित्रों इनके योग करने में बिल्कुल कमी नहीं। ये देखिए, अफसर के बल रामू खड़े होते हैं और इसके बाद नौली क्रिया कर लेते हैं, हाथ को घुमा
घुमाते हैं, सांस को ऊपर नीचे करते हैं। अच्छा नौली क्रिया से क्या फायदा होता है? कोरोना वोरोना की बीमारी में कुछ असर पड़ेगा रामू? हाँ, कोरोना की बीमारी चली जाती है और सभी बीमारियां चली जाती हैं और एकदम शरीर स्वस्थ रहता है एकदम। अच्छा, तो ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इससे ऑक्सीजन का कमी नहीं होता? नहीं है। डॉक्टर लोग बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो तो पेट के बल लेट जाओ, तो सच था? हाँ। और क्या करना चाहिए सांस की कमी में, कुछ बताओ अपने योग के माध्यम से। ऐसे ऐसे इसको करना चाहिए। अच्छा, एक 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 अलोम विलोम, एक से सांस छोड़िए, एक से लीजिए। हाँ, और वो कुछ डॉक्टर लोग सूंघने का भी बताए थे, सूंघनी? हाँ, वो होता है कपूर और जवाइन और काली मिर्च, सब उसी में एक पोटली में मिला के बांध के नाक, उसको नाक से पोटली में सूंघते रहो, उससे ऑक्सीजन बढ़ता रहेगा। ये थे भैया युवा योगी, इनका नाम है रामू। रामू पूरी तरीके से योग में खो गए हैं और ये अपना कर्तव्य करते रहते हैं, और योग करते करते ये देखिए अपना शरीर पूरी तरीके से, शरीर कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो लेकिन योग करना चाहिए, क्यों रामू? हाँ। चलिए, हमारी शुभकामना है रामू के लिए, आप ऐसे योग करते रहो, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहो। बहुत बहुत शुभकामना आप सभी का।